माणक चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार दोपहर को 4 माह के जुड़वा भाई बहन की पानी के ड्रम में डूबने से मौत हो गई। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। गुरुवार को पुलिस ने शेरानीपुरा कब्रिस्तान में दफनाए गए बच्चों के शव प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में निकलवाया और उन्हें पीएम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार मामला संदिग्ध है, जांच के बाद ही कारणों का खुलासा हो सकेगा। 4 माह के जुड़वा भाई बहन की मौत की सूचना बुधवार शाम को पुलिस को मिली थी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर बच्चों के शव को दफना दिया था। पुलिस ने जांच के लिए शव को निकालने की प्रक्रिया की। इसके लिए एसडीएम को प्रतिवेदन दिया गया। गुरुवार दोपहर को एएसपी राकेश खाका एवं तहसीलदार ऋषभ ठाकुर की मौजूदगी में शेरानीपुरा कब्रिस्तान से बच्चों के शव को निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना मदीना कॉलोनी क्षेत्र में 20 नवंबर बुधवार दोपहर 3 बजे की है। बच्चों के पिता अमीर कुरैशी ने पुलिस को बताया कि उनके 4 माह के एक लड़का और एक लड़की, 2 जुड़वा बच्चे थे। बुधवार दिन में जब उनकी पत्नी बच्चों को लेकर धूप में पानी के ड्रम के पास खड़ी थी, तभी एक बच्चा पानी के ड्रम में गिर गया। पत्नी जब उसे निकालने गई तो दूसरा बच्चा भी टंकी में गिर गया। ये देखकर पत्नी वहीं बेहोश होकर गिर गई। होश में आने के बाद पत्नी ने पति आमिर को पूरा घटनाक्रम बताया। उसके बाद जब पति घर पहुंचा तो दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। बाद में परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए बच्चों के शव को दफना दिया। मौके पर मौजूद एएसपी राकेश खाका ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि पुलिस को किसी व्यक्ति ने बच्चों की मौत के संबंध में सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। परिजनों ने बिना शव परीक्षण कराए दफना दिया था। आज तहसीलदार ऋषभ ठाकुर की मौजूदगी में शवों को निकालकर जांच के लिए भेजा गया है। श्री खाका ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है। पीएम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। रतलाम आलौट से जीतू वरोला की रिपोर्ट। सर घटनास्थल पर आए हैं। बिल्कुल, देखिए एक काफी जो है दुखद घटना हुई है, जिसमें कि एक वेद व्यास कॉलोनी 4 है अपने मदीना मस्जिद के पास। इसमें एक महिला ने अपने एक ये सूचना आई थी कि 2 बच्चे जो है वो डूब गए हैं टंकी में, और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उनको जो है वो उनको जो है बेसिकली कब्रिस्तान में जो है उनको गाड़ दिया गया था बच्चों को। इसी को लेकर के तत्काल जो है एग्जुमेशन की जो है प्रोसेस है वो करवाई गई थी मजिस्ट्रेट के आदेश से, और उसके बाद जो उनका पीएम कराया गया है। प्रथम दृष्टया जो अभी ये संदेहास्पद मामला थोड़ा सा प्रतीत होता है, मगर फिर भी जो है पूरी की पूरी FSL की टीम और मैंने जो है निरीक्षण किया है, और आगे जल्द से जल्द हम प्रयास करेंगे कि जो भी कंक्लूजन है इसमें पहुंचा जा सके। अभी कोई हिरासत में नहीं है, मगर ये पूरा का पूरा जो हमने इवेंट रिक्रिएट किया था, और इवेंट रिक्रिएट करने के साथ डमी के जो है FSL के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है हमने कॉन्फिडेंस में लेकर के उनसे भी जानकारी ली है। पहले भी ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये आ रही है कि पूर्व में भी जो है इस महिला के एक बच्चे की जो है डेथ हुई है। एक और बच्चे को जो है एक संदेहास्पद इस तरह से घटना हुई थी, लेकिन उसके साथ कोई घटना हो नहीं पाई थी, तो पूर्व में भी ऐसा हिस्ट्री रहा है। इसको लेकर के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, जल्द से जल्द हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बच्चों को जो है दफना दिया गया है, और इसमें कहीं ना कहीं जो है मृत्यु में संदेह है। उस संदेह के दायरे में इनके परिवार में इनकी जो माँ है उनको संदेह के दायरे में लिया गया है कि उनके द्वारा जो है बच्चे को डुबा के हत्या कर दी है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी। जिस जानकारी प्राप्त होने पर थाना प्रभारी द्वारा जो है एक प्रतिवेदन जो है SDM साहब को दिया था। SDM साहब ने उत्खनन करने हेतु तहसीलदार साहब को जो है नियुक्त किया था, और आज कब्रिस्तान में दोनों बच्चों का शव जो है निकाला गया है और जो परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। तक के जांच में क्या मामला पाया गया? चूंकि अभी उत्खनन करके परीक्षण हेतु जो है स्व परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है, स्व परीक्षण के उपरांत ही बता पाएगा कि इसकी मृत्यु में क्या संदेह है अथवा नहीं है। परंतु अभी तक के जो साक्ष्य आए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है इसकी माँ के द्वारा ये कृत्य करने के संबंध में बात प्रकाश में आई है, और एक और ऐसी बात भी प्रकाश में आई है जिसमें पूर्व में भी एक और इसका बच्चा था उसकी भी मृत्यु हुई थी लगभग 2 साल पहले, वो भी पानी में डूबने से हुई है। उस संबंध के संदर्भ में भी एक जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें पुलिस तहकीकात करेगी उन सब बिंदुओं पर। सर बताया जा रहा है कि माँ की इस बात में कितनी सत्यता है? सर देखिए, हम अभी स्व परीक्षण कराने के बाद और बाकी जो है लोगों से पूछताछ करने के बाद ही इसमें जो है पहुँच सकते हैं निर्णय पर।